हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वाटरमेलन जूस और साथ में चॉकलेट पैनकेक। और अभी समर सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे तरबूज आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो एकदम फ्रेश फ्रेश आते हैं, और एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के जैसे आप मतलब बना सकते हैं। और गर्मियों में अभी तो इतनी गर्मी चल रही है, कोई जूस अच्छा सा मिल जाते हैं ठंडी ठंडी चिल सा तो कितना मज़ा आते हैं। तो हम घर पे ही बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी वाटरमेलन ड्रिंक हम बना सकते हैं। तो जो बच्चे मतलब वाटरमेलन नहीं खाते हैं वो भी ये ड्रिंक ज़रूर पी लेंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे मैंने एक तरबूज लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें हम मिक्स ग्राइंडिंग कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं दो बारी में मिक्स कर लूँगी, और एक बड़ा सा मैंने बाउल ले लिया है, उसमें सारे जो तरबूज मैंने मिक्सी ग्राइंडिंग में ग्राइंड किया था वो ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर एक बार फिर से मैं और एक बार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो तरबूज है वो पूरी अच्छे से मैंने मिक्सी ग्राइंडिंग में ग्राइंड कर लिया है। और एक सन्नी ले लिया है मैंने, अभी इसमें इसको मैं अच्छे से सान लूँगी क्योंकि ये मोटे मोटे जो पीस है वो रह गए हैं, तो इसको हमें सानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने छान लिया है, और ये देखिए जो जूस है कितने अच्छे से हमें मिल गए हैं। और यहाँ पे मैं चिल्ड जो वाटर है फ्रीज में रखा हुआ जो पानी है थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, और पानी को अच्छे से मैंने मिक्स करके यहाँ पे छान लिया है। और ये एक नींबू ले रही हूँ मैं, और इसमें थोड़ा सा जैसे खट्टाई आते हैं ड्रिंक में तो उसका टेस्ट और दोगुना बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू निचोड़ लिया है, और अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच शुगर, और ये थोड़ा सा जलजीरा पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, 1/2 चम्मच करीब आप जलजीरा पाउडर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने काला नमक ऐड किया है थोड़ा सा, और ये है पुदीना की पत्ते, पुदीना के पत्ते को मैंने हाथ से ही तोड़ के यहाँ पे डाल दिया है। और ये देखिए कितने प्यारा सा एक कलर आ रहे हैं तरबूज का, और हमें कितने अच्छे से ये सारा तरबूज का जूस मिल गए है। और यहाँ पर मैं बर्फ़ के टुकड़े ग्लास में ऐड कर दी हूँ, और अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो हमने तरबूज का जूस निकाला था वो। और ये देखिए ये ड्रिंक कितने आसानी से मतलब बन गए हैं, आप ज़रूर इसे बनाइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम पैनकेक की रेडी मतलब पैनकेक बनाने की रेडी कर रहे हैं, और यहाँ मैं 3 बनाना ले रही हूँ, और इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। और ये देखिए मैंने कितने अच्छे से मैश कर लिया है, और ऐसे ही आपको मैश करना है। और ये मैं 2 एग्स ले रही हूँ, अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच आप यहाँ पे भर के दही ऐड कर लीजिए। और ये देखिए इसको भी हमें बहुत ही अच्छे से इसको फेंट लेना है, और ये मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, और 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है कोको पाउडर, और यहाँ पे मैं शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ, 1 कप मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जैगरी, और ये इलायची पाउडर ऐड किया है। और यहाँ अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है धीरे धीरे। तो आप 1 कप दूध ले लीजिए, पहले हमें अच्छे से सारे मिक्स कर लेना है, अगर मिक्स नहीं हो रहे तो आप दूध ले लीजिए, दूध से आप मिक्स कर लीजिए तो टेस्टी और भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गए, तो अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और अभी फिर से मैंने यहाँ पे ऐड किया है मिल्क, और इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। और सॉरी मैं रिफाइन के बारे में बोलना भूल गई, रिफाइन भी हमने करीब 1/2 कप हमने रिफाइन ऐड किया है, और ये देखिए बैटर हमारे बिल्कुल परफेक्ट है।
और एक तवा ले रही हूँ। तवा को हम बटर से ग्रीस कर लिया है और ये देखिए बटर हमारे अच्छे से ग्रीस हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जो बैटर बना के रखी हूँ वो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल लिया है और इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर पीछे से अच्छे से कुक हो चुके हैं तो इसको आप टर्न कर लीजिए। और ये देखिए हमारे बिल्कुल केक पैनकेक रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही मैंने पैनकेक और भी बना लिया था। जो आप मिक्सर बाज़ार से लाते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है हमें पता भी नहीं चलते, लेकिन घर में जो मिक्सर आप बनाते हैं वो आपको कम से कम ये तो पता चलते हैं कि आपने यहाँ पे क्या क्या डाला है और बच्चों के लिए कितने हेल्दी है। और यहाँ पे आप अनहेल्दी तो कुछ डाल नहीं रहे हैं कि आप बनाना डाल रहे, एग डाल रहे, व्हीट डाल रहे, तो ये इतना मतलब हेल्दी भी बन जाते हैं बच्चों के लिए और बच्चे भी खुश होके खाते हैं। तो जब बच्चे खुश होके खाते हैं तो हम भी मम्मी लोग भी बहुत मतलब खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हनी, थोड़ी सी हनी मैंने यहाँ पे ऐड किया। आप चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं और ये हमारे चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है। साथ में एकदम